दो लोग मिलते मिलते गड्ढमड्ढ हो जाते हैं। तो ये तो वैज्ञानिक रूप से चीज़ आजकल साबित हो चुकी है, आध्यात्मिक लोग इसको हमेशा से जानते रहे हैं। हमारा एनर्जी और थॉट ट्रांसफ़र होता ही है, और भारत में जब ये मनाही करी गई कि लोग थोड़ा संयम बरतें, तो इसलिए नहीं कहा गया कि वो कोई नैतिक बात कह रहे थे, वो केवल इतनी बात कह रहे थे हम अपनी कंडीशनिंग और अपनी मेंटल क्लैरिटी को गड्ढमड्ढ कर सकते हैं। तो अगर आध्यात्मिक राह पर कोई चल रहा है तो उसको सतर्क रहना चाहिए। पति पत्नी का संबंध सबसे खूबसूरत हो सकता था, लेकिन उसको सबसे कुरूप सामाजिक व्यवस्थाओं के चलते हुए बना दिया गया, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ एक कर्तव्य और ड्यूटी में डाल दी गई। उसके चलते हुए क्या होता है कि संबंधों का जो सौंदर्य है वो कभी निकलता नहीं, वो ना होकर सहज होना चाहिए। अगर उनके अंदर प्रेम की वो ऊंचाई और वो सहजता हो तो वो संबंधित हों, और अगर वो ना रहे तो वो संबंधित ना हों, वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। मेंटल कंडीशंस, इमोशनल कंडीशंस सब ट्रांसफ़र होने की क्षमता हमारे उसमें रहती है। तो शारीरिक संबंधों को इसलिए एक अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण माना गया। अब देखिए, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो स्त्री पुरुष के मिलने से ही तो जो बच्चा पैदा हो रहा है, जेनेटिकली दोनों के गुण उसमें ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यानी कि उन दोनों के अंदर, उन दोनों की सेल्स में जो जेनेटिक गुण थे वो ट्रांसफ़र होके बच्चे में गए। लेकिन वो जो सेल है वो बड़ा ही भौतिक रूप है, वो फिजिकल फॉर्म है। तो जब दो लोग उतने नज़दीक आते हैं, और ख़ास तौर से उतने नज़दीक कि इंसान जो अपने पूरे जीवन की यात्रा में अलग अलग तरह के कर्म पैदा करता है, और कर्म एक मेमोरी है, कर्मों का ट्रांसफ़र का मतलब मेमोरी का ट्रांसफ़र, कर्म एक स्मृति है, शारीरिक संबंधों में उसमें कुछ न कुछ ट्रांसफ़र होने की गुंजाइश रहती है। और कितनी इंटेंसिटी, अब दो स्थितियां हैं। देखिए, हमारे अंदर एक किस लेवल की इंटेंसिटी उन संबंधों में रही है इमोशनल प्लेन पर, उससे बहुत निर्भर करेगा। जैसे कि बहुत हिंसात्मक, बहुत ही वायलेंट ढंग से कोई संबंध बना हो, ज़बरदस्ती बना हो, तो उसमें जब भी आप किसी इमोशन की उसमें होंगे, तेज़ी में होंगे, तो आपके अंदर देखा जाए एक फायर पैदा हो गई है, इमोशंस का एक्टिव होना फायर पैदा हो गई है, यानी कि उत्तप्त हो गए हम, एक्टिवेटेड हो गए हैं, और उस कंडीशन में जो संबंध बनेंगे उसमें का ट्रांसफ़र बहुत तेज़ी से होता है। या हम बहुत गहरे इमोशनल उसमें हैं, भाव में हैं, या बहुत गहरे प्रेम में हैं, डिटैच होकर ऐसे संबंध तो बनते नहीं। पहली चीज़ ये, अगर कोई बहुत ही डिटैच है तो संबंधों का बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो व्यक्ति किसी न किसी एक्साइटमेंट में, उत्तेजना में ही होता है, डिटैच है तो ट्रांसफ़र कमी होगा। अभी आजकल देखिए, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में फीचर आ रहा है, मुझे भी जल्दी ही पता चला, जो नए नए गैजेट्स हैं उनमें NFC मोड है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, यानी कि आप अगर उसका NFC एक्टिवेट करके दो मोबाइल्स को आप बस 4 सेंटीमीटर के पास रख दीजिए, उनका डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। जितने लेटेस्ट मोबाइल्स आ रहे हैं इस समय गैजेट्स, उनमें ये NFC मोड दिया हुआ है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, और बस इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्लूटूथ। तो ये तो गैजेट में हमने चीज़ ले ली है कि आप उस फील्ड में लाए उसको और कम्युनिकेशन हो गया, फाइल्स ट्रांसफ़र हो गई। तो ऐसे ही ह्यूमन बॉडी में भी NFC है, आप एक ख़ास नज़दीकी में आए कि डेटा ट्रांसफ़र और फाइल ट्रांसफ़र हो गई। तो अगर पति पत्नी के संबंधों में भी ये बात करी जाए, तो अगर वो प्रेम में ना हो, शांति में ना हो, और एक दूसरे के गहरे रिस्पेक्ट में ना हो, तो उनको उतने वक्त के लिए ऐसे संबंधों से दूर रहना चाहिए। और जब वो शांति, प्रेम और एक दूसरे के प्रति आदर से भरे हों, तभी आगे बढ़ें, वो उनके जीवन को सुंदर बनाएगा।